शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में ढाई दशक बाद अब एक बार फिर से टाइगरों की दहाड़ें सुनने को मिली है। बात 10 मार्च को टाइगर आ रहे हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बाड़े में छोड़ेंगे। टाइगर लाने के लिए पार्क में प्रबंधन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पार्क की पूर्व रेंज स्थित बालापुर के जंगल में 3 टाइगर के लिए 4 हेक्टेयर का बड़ा बाड़ा बनाकर तैयार किया गया है, जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। नर टाइगर को बीच वाले हिस्से में रखा जाएगा, जबकि दोनों मादा टाइगर को दाएं एवं बाएं वाले बाड़ों में रखा जाएगा, ताकि टाइगर आपस में भिड़ ना सके। पार्क में 2 मादा एवं 1 नर टाइगर के लिहाजा से बड़ा तैयार किया गया है। पिंजरा खोलकर नर एवं मादा को अलग अलग बाड़े में शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पर पानी के लिए कम गहराई की सीसी सोसर, पानी के लिए क्रिंकरेट वाले गड्ढे बनाए गए हैं, जिसे 12 से 15 दिन तक पर्याप्त पानी भरा जाएगा। बाड़े के बाहर से ही टैंकर से पाइप के जरिए पानी भरा जाएगा। सोसर के पास की मिट्टी गीली रखी जाएगी, ताकि टाइगर को गर्मी से राहत मिल सके। यहाँ पर प्रगति मचान भी बनाए हैं, जिसमें इन पर नज़र रखी जा सके। स्टाफ के पास दूरबीन भी रहेगी। माधव नेशनल पार्क के रेंजर दीप माला शिवहरे का कहना है कि हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं। 10 मार्च को 3 टाइगर लाए जाने हैं, जिसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। पार्क के भोजन के लिहाज में 42 टाइगर रखे जा सकते हैं। पार्क से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि पार्क में पर्याप्त शाकाहारी जानवर हैं, इस लिहाजा से यह 42 टाइगर रखे जा सकते हैं, जबकि क्षेत्र के हिसाब से 25 टाइगर रखे जा सकते थे। पार्क में ब्रोडिंग के लिहाजा से 20 मादा टाइगर होना चाहिए। ये हमारे यहाँ 10 मार्च डिसाइड हुई है। 10 मार्च को यहाँ 3 टाइगर आ रहे हैं, एक मेल और 2 फीमेल आ रहे हैं। 10 तारीख को लाएंगे। यहाँ माधव नेशनल पार्क में कितने टाइगरों को रखने की क्षमता है? यहाँ पर जो टाइगर है, पहले भी यहाँ पर रहा है, इतिहास रहा है टाइगर का, 1956 से लेकर 98 तक रहा है। और यहाँ जो प्रीवियस के हिसाब से 42 टाइगर रह सकते हैं, और एरिया के हिसाब से लगभग 25-26 तक जाएंगे। 7 तारीख को टाइगर छोड़े जाएंगे 3, उसके लिए क्या इसके लिए व्यवस्थाएं सुरक्षा के लिए निगरानी के लिए की गई? 10 मार्च को हम लोग यहाँ टाइगर्स का सॉफ्ट रिलीज करेंगे। इसके लिए आप देख रहे हैं बाड़ा तैयार किया हुआ है, और एरिया वाइज इसको 3 जगह 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है। और सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने मचान बनाए, वो आप देख ही रहे हैं। और पानी की व्यवस्था है, वाटर होल है, क्योंकि अब गर्मी का सीजन आ गया है, पहले नहीं था, तो हमने इसके लिए शेल्टर भी तैयार किए हुए हैं। कितने दिन टाइगर को बाड़े में रखा जाएगा? 7-10 डेज। उसके बाद में? उसके बाद इसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा, जो उसका एरिया है जंगल वहाँ वो रहेगा। कॉलर आईडी लगाई जाएगा? हाँ, उसको कॉलर आईडी रहेगा, और हम लोगों के पास हम लोग उसको ट्रैक करेंगे। सतत निगरानी रखी जाएगी।